सिमरी थाना कांड संख्या 249-21 में 7/2/2022 को 9 अभियुक्तों ने जमानत आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई के लिए आज तिथि निर्धारित की गई थी। 12 बजे के लगभग वो 9 अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आए। जब वो थर्ड एडिशनल सेशन जज साहब के न्यायालय में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो 5 व्यक्ति जो सादे लिबास में थे आए और उसमें से 2 अभियुक्त रंजीत महतो और मिथिलेश महतो को उन्होंने पकड़ा। उसके साथ के अन्य अभियुक्तों ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उनको गाली देते हुए उन दोनों अभियुक्तों को घसीट कर ले जाने लगे। उस पर अधिवक्ताओं में रोष हुआ, अधिवक्ताओं ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो जो 5 में से 4 2 को लेकर के भाग गए। एक जो सादे लिबास में थे उनको अधिवक्ताओं ने पकड़ा। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ। उनके पास न कोई आइडेंटिटी कार्ड था, न उनके पास उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का न कोई लीगल वारंट था, न न्यायालय से कोई वारंट निर्गत था, बल्कि वो दोनों अभियुक्त न्यायालय में समर्पण करने आए थे और पूर्व से उनका जमानत आवेदन 7/2/2022 से न्यायालय में लंबित था और आज की तिथि निर्धारित थी। पुलिस बाद में देखा गया कि लहरियासराय थाने के कुछ पुलिस पदाधिकारी आए जो कह रहे थे जो वो पुलिस थे, तो पुलिस को यह अधिकार तो नहीं मिल गया जो सादे लिबास में वो भी न्यायालय में परिसर में अभियुक्त को गिरफ्तार करे, उसमें भी उस अभियुक्त को जो न्यायालय में समर्पण करने आया है, आत्मसमर्पण करने आया है, न्यायालय से न्याय मांगने आया है। पुलिस एक टेरर पैदा करना चाह रही है, पुलिस चाह रही है जो कोई भी न्याय मांगने वाला व्यक्ति न्यायालय परिसर में नहीं आवे। पुलिस का यह कृत्य एक टेरर पैदा करने की कृत्य है, साथ ही न्यायालय की भी अब मानना है जो उसके यहाँ जो सरेंडर करने आया है उसको उसके द्वार से